उदयपुर जिले के वल्लभ नगर थाना क्षेत्र में करीब 4 माह पूर्व रागी पर जानलेवा हमले के मामले में वल्लभ नगर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ मिली है। साथ ही उन्होंने इस मामले में 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। वल्लभ नगर पुलिस उपाधीक्षक राजेंद्र सिंह जैन ने बताया कि 25 जनवरी 2024 को मोहन डांगी निवासी सागराखेड़ी ने वल्लभ नगर थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसके पिता रामलाल डांगी अपनी स्कूटी से खेत की तरफ जा रहे थे, तभी झाड़ियों में छिपकर बैठे 4 व्यक्तियों ने रामलाल डांगी को रोक कर लट व लोहे के पाइप से जानलेवा हमला कर घायल कर दिया, जिस पर रामलाल डांगी चिल्लाया तो वह राहगीरों की भीड़ एकत्रित हो गई और मारपीट करने वाले सभी अभियुक्त रामलाल को अधमरी अवस्था में छोड़कर फरार हो गए। वल्लभ नगर थाना पुलिस ने इस मामले में मामला दर्ज कर जाँच शुरू की और टीम ने तकनीकी साधनों व सूचना संग्रहित कर घटना का खुलासा करते हुए सागराखेड़ी निवासी नाडूलाल डांगी, सुरेश डांगी, बाबूलाल गायरी, लोकेश डांगी और सुरेश डांगी को गिरफ्तार किया है। पुलिस उपाधीक्षक राजेंद्र सिंह जैन ने बताया कि आरोपियों ने 50,000 की सुपारी लेकर घटना को अंजाम दिया था। सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस रिमांड पर भेजा है।